हेलो दोस्तों, एक नए व्लॉग पर आपका फिर से स्वागत है। और यहाँ पर जहाँ मैं पहुँचाऊँ आज, ये है एडवेंचर आइलैंड। बहुत ही ज़बरदस्त यहाँ पर एक्टिविटीज़ हैं, बहुत बड़े बड़े झूले हैं। यहाँ पर पीछे आप देख सकते हैं, इधर बोटिंग भी चल रही है, अगर आपको दिख जाए तो इधर वो, तो यहाँ पर बोटिंग भी कर सकते हैं आप लोगों को। आपको फुल इन्फॉर्मेशन मिलेगी यहाँ के बारे में कि कैसे पहुँचना है, कौन सा नज़दीकी मेट्रो स्टेशन है, कितने की टिकट है, सारा कुछ, सारी टोटल इन्फॉर्मेशन मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर जरूर कर दीजिएगा। देखिए गाइस, कितनी ज़्यादा भीड़ है। आज वीकेंड है, आज संडे है, संडे का दिन है तो बहुत ज़्यादा भीड़ है आज। और संडे को जो टिकट, सैटरडे और संडे को टिकट जो है ज़्यादा हो जाती है, तो आप अगर चाहें तो वीक डेज में भी आ सकते हैं, मंडे टू फ्राइडे। और चलिए यहाँ से हम लोग टिकट ले लेते हैं एक बार। देखिए गाइस, यहाँ के टिकट की अगर बात करें तो देखिए, टिकट यहाँ पर जो है 500 की टिकट है वीक डेज की, मंडे टू फ्राइडे। लेकिन अगर आप वीकेंड में आते हैं यहाँ पर सैटरडे एंड संडे को, तो यहाँ पर जो टिकट होगी वो आप लोगों की 600 की टिकट होगी यहाँ पर। इसके अलावा आप लोग यहाँ पर डायनासोर पार्क भी है, इस डायनासोर पार्क की जो टिकट है वो अलग है, 100 रुपीज़ टिकट है इसकी, डायनासोर पार्क की। तो और यहाँ का अगर नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन की बात करें तो नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन यहाँ का जो रिठाला मेट्रो स्टेशन है, वो यहाँ का नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन है, 5-10 मिनट वॉकिंग डिस्टेंस पर है। तो आप पैदल भी आ सकते हो, अगर आप चाहें तो यहाँ पर जो है आप लोग बाई ऑटो भी आ सकते हैं, तो काफ़ी ऑटो आते हैं, तो आप लोग ऑटो से भी यहाँ पहुँच सकते हैं। तो रिठाला मेट्रो स्टेशन से आप लोग बहुत नज़दीक है, यहाँ आप आ सकते हैं। तो सारी टिकट और बाकी इन्फॉर्मेशन मैं आपको यहाँ पर प्रोवाइड करा दी है। इसके अलावा बहुत ही यहाँ पर एडवेंचर एक्टिविटीज़ हैं, आप लोग देख सकते हैं। आज वीकेंड है तो बहुत ज़्यादा भीड़ है आप। तो गाइस, ये हमने टिकट ले ली है, चूँकि मैं आज संडे को आया हूँ तो 600 रुपीज़ की टिकट है इसकी। चलिए अब इधर से हम लोग जो है एंट्री करते हैं इसमें। ये इन्होंने ये बांध दिया है यहाँ पर, और चलिए अब अंदर चलते हैं। तो गाइस चलिए अब चलते हैं यहाँ पर राइड्स की तरफ। एंड तक वीडियो को देखिएगा, बहुत मज़ा आने वाला है वीडियो में, व्लॉग में बहुत मज़ा आने वाला है। बहुत सारी एडवेंचर एक्टिविटीज़ हैं, बहुत सारी राइड्स हैं यहाँ पर, बड़े बड़े झूले हैं यहाँ पर। तो व्लॉग को आपको पूरा देखना है, जल्दी से शेयर कर दीजिए व्लॉग को अगर अभी तक शेयर नहीं किया, और अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके अलावा वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। और चलिए अब अंदर चलते हैं, यहाँ से एंट्री है इधर साइड से, सीधा इधर ही हैं सारे जितने भी झूले हैं। और आज गर्मी बहुत है भाई साहब, हालांकि धूप नहीं है लेकिन। और इसके अलावा देखिए यहाँ पर ये एरोप्लेन रेस्टोरेंट भी है यहाँ पर, आप देख सकते हैं ये इधर, इसमें आकर के आप लोग खाना खा सकते हैं। और यहाँ से ये देखिए, ये दो घोड़े बने हुए हैं इधर, और चलिए इधर चलते हैं आप। और यहाँ पर आप लोग जो है बोटिंग भी कर सकते हैं, आप देखिए ये लेक बना रखी है यहाँ पर, और ये बोट खड़ी हुई है आप लोग देख सकते हैं इधर साइड में यहाँ पर। यहाँ पर ये 360 डिग्री वीडियो बन रही है यहाँ पर। और यहाँ पर ये है, कौन सी राइड है, ये साइक्लोन वाली राइड है शायद, ये देखिए भाई साहब, चलिए लाइन लग रही है इसके लिए लंबी। और ये देखिए,
तो भाई साहब अभी भी नंबर नहीं आया, देख सकते हैं आप लोग कितनी भीड़ है, और चार पांच राइड इसमें निकल चुकी हैं बावजूद इसके अभी उसके बाद भी नंबर नहीं आया, बहुत ज़्यादा भीड़ है। लेकिन अब जो है इस बार इसके बाद में जो ये चल रहा है ना, इसके बाद में अब नंबर आ जाएगा। तो चलिए वेट करते हैं एक बार और अपनी बारी का, अगली बार आ जाए तो नंबर, हालांकि बहुत ज़्यादा भीड़ है। देखिए काफ़ी भीड़ है, बहुत ज़्यादा लंबी लाइन लग रही है एक्चुअली में। चलो भाई फाइनली 45 मिनट का वेट करने के बाद में नंबर आ गया है, और अभी चलिए चलते हैं, उधर खाली हो गया है ये सब। तो जो है 45 मिनट वेट किया था, वीकेंड में मत आइएगा, बिल्कुल रिकमेंड नहीं करता। आप आएँ तो वीकडेज़ में जरूर, वीकडेज़ में आ सकते हैं, वीकेंड में मत आइएगा, बहुत ज़्यादा भीड़ रहता है, बहुत ज़्यादा रश रहता है, और इवन पैसे भी ज़्यादा चार्ज करते हैं वीकेंड को। तो वीकेंड में ना आए तो ही बेटर रहेगा, बाकी आप अपने हिसाब से देख सकते हैं। तो लो भाई फाइनली बैठ गए हैं, और इसमें कर लिया हमने ये लॉक, और आप देख सकते हैं पीछे भी सभी लोग बैठे हुए हैं धीरे धीरे। तो अब चलिए ये होने वाला स्टार्ट। और लो भाई ये हो गया है स्टार्ट। ओह माय गॉड, ये देख सकते हैं। ओह माय गॉड, अब भाई साहब गजब। तो इसका एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है इसका, आप लोग आकर के इसको एंजॉय कर सकते हैं काफ़ी, मतलब मुझे लगता है पाँच छः मिनट ये लोग जो है इसकी राइड कराते होंगे। तो अब ये नीचे आ गया है, और चलिए अब इससे निकलते हैं बाहर। इसमें से आने के बाद तो लग रहा है कि सब कुछ दोबारा घूम रहा है, यहाँ आने के बाद, नीचे आने के बाद भी एक्चुअली में सारा कुछ घूम रहा है, अभी भी चक्कर आने लगते हैं। तो बाकी ओवरऑल इसका जो एक्सपीरियंस है काफ़ी बढ़िया रहा। और इसके बाद इस साइक्लोन के बाद चलिए अब कुछ दूसरी एक्टिविटीज़ जो दूसरी राइड्स हैं यहाँ पर उनको देख लेते हैं। साइक्लोन वाली राइड आपको कैसी लगी नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और आप क्या आए हैं कभी इससे पहले यहाँ पर तो वो भी आप लोग बताइएगा। और यहीं पर आप लोग वाटर पार्क का भी इंजॉय कर सकते हैं।